बहुत ज्यादा पसंद है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरे पास है अगारो का हाई प्रेशर वॉश, जिससे आप कार, बाइक या फिर अपने फ्लोर को हाई प्रेशर से आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये 1800 वाट का है, जो कि सफिशिएंट है इन सब कामों के लिए। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन हम दिखा देते हैं कि कैसे करना है। तो ये मिल जाता है आपको इनलेट फिल्टर। तो इनलेट फिल्टर को जिस साइड में अगारो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इंसर्ट कर देना है। और ज़्यादा टाइट नहीं करना है, चूँकि ये प्लास्टिक का है तो जल्दी वियर एंड टियर हो जाएगा। और आपको सारे अटैचमेंट्स को बार बार खोलना और लगाना नहीं है, एक बार लगा दिए उसी तरीके से रख देना। तो इनलेट का जो लॉक है, उसका कवर को यहाँ से खोल करके पाइप के अंदर डाल दीजिए, एंड देन पाइप को इसमें लॉक कर दीजिए। तो ये पाइप आपको मिल जाता है। तो एक पाइप को आपको यहाँ पर इनलेट का जो सॉकेट है इसमें लगा देना है, एंड इस लॉक को टाइट कर लेना है। और यहाँ पर आप देखिए कि इसको जैसे पीछे की तरफ पुश कीजिएगा, तो यहाँ पर इसको इनलेट फिल्टर के साथ आपको लगाना है। तो ये टक का साउंड आएगा जब इसको आप, ये लास्ट पोर्शन है यहाँ तक लगाना है। देखिए देखिए आवाज़ किया, एंड इसको रिलीज़ कर देना है। तो ये हमारा इनलेट फिल्टर, इनलेट सॉकेट और पाइप लग चुका है। तो अब आउटलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मशीन के साथ आपको ये आउटलेट पाइप मिल जाता है, तो इसको कैसे लगाना वो दिखा देते हैं। तो ये आउटलेट सॉकेट आपका दोनों साइड से सेम ही है, किसी भी साइड से आपको लगा देना है। तो जिस साइड में स्विच है आपका, इसमें आपको बस पुश करके लगाना है, एंड इसके लॉक को टाइट कर देना। ये जो आउटलेट का पाइप है, एक तो हम लगा दिए मशीन में, दूसरा आपको इंसर्ट करना है इसके एक प्रेशर वॉश गन में। तो चलिए इसको पहले तो अनसील करते हैं, सील्ड है। तो गन का क्वालिटी जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है, हर चीज़ का क्वालिटी बहुत अच्छा है, चाहे वो आउटलेट पाइप हो, इनलेट पाइप हो, मशीन हो। तो इसको बता देते हैं कि कैसा लगाना है। जस्ट इसको भी आपको पुश करना है इसमें। तो ये जो आउटलेट का जो पाइप था, ये जो बना हुआ घाट, इसको आप यहाँ तक पुश करके लगाना है, एंड देन लॉक से टाइट कर देना है। और कोई सा भी आपको लॉक को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि सब प्लास्टिक का है। और ये जो पाइप है, इसमें आपको ये फ़िल्टर डाल देना है। अगर आप बकेट से धो रहे हो तो ये फ़िल्टर डाल करके आपको धोना है, या फिर आपको इसके साथ अटैचमेंट भी मिल जाता है, जिसको आप डायरेक्ट नल में लगा करके क्लैंप से टाइट करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम बकेट से धो रहे हैं, इसलिए इस फ़िल्टर को ही लगाएंगे। और इसके साथ आपको एक फोम कैन मिल जाता है, इसमें आपको शैम्पू भर करके फोम वॉश करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। एंड ये एक ब्रास का आपको गन ये अटैचमेंट के लिए मिल जाता है। तो इसके पाइप को इस फिल्टर से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि तो बहुत आसान है। इसमें दो घाट बना हुआ है, इसमें आपको बस इसको इंसर्ट करना है, एंड इसको आपको बकेट में डाल देना। एक चीज़ को आपको और ध्यान रखना है कि ये जो आउटलेट पाइप आप लगाए थे, पहले इसका एयर को हम लोग निकाल देते हैं। एयर निकालने के बाद आपको इसके आउटलेट पाइप को अंदर तक ये इंसर्ट करना, एंड देन लॉक कर देना। तो सारा अटैचमेंट्स और सारा इंस्टॉलेशन हम कर लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल में प्रेशर कितना है। सबसे पहले आपको कार पे डायरेक्ट पॉइंट नहीं करना है, साइड में आप देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कचरा लगा हुआ, पूरा मिट्टी से ये सूखा हुआ है। देखते हैं इसको वॉश कर पाता है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस साइड में बहुत ज़्यादा डस्ट था, पूरा ये साफ़ कर दिया है। तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ये मस्त बाय है मेरे साइड से। तो इस मशीन के साथ आपको एक ये फोम कैन मिल जाता है। तो ये उतना अच्छा तो है नहीं, बट इसको फिर भी ट्राई करते हैं कि कितना इससे हमारा फोम निकलता है। तो ये हम एक शैम्पू ले लिए, तो यहाँ से देखिए ये लॉक है, इसको आपको ऊपर खींच करके निकालना है। यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ,
तो चलिए इसमें शैम्पू डालते हैं। तो आपको शैम्पू कम से कम 50 ml डालना है, 50 से 100 ml। तो मेरे पास कम ही है, तो इसका शैम्पू भी हम ऑर्डर किए हुए हैं, उसके शैम्पू के साथ हम एक वीडियो बनाएंगे। चलिए वापस से इसको लॉक कर देते हैं, इसको नीचे डाल करके आपको रोटेट करना है। तो ये लॉक हो गया हमारा। फिर ये जो आप यहाँ से अटैचमेंट खोले थे, इसको आपको यहाँ पर लगा देना। एंड फोम कैन में जो आप फोम भरे थे, उसमें पानी ऊपर तक भर लीजिए। एंड इसका ये जो ऊपर का हुक है, इसको ऊपर करके इसमें बस अटैच कर देना है। एंड हुक को थोड़ा सा आपको ऊपर प्रेस करना है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आपका फोम निकलेगा। चलिए देखते हैं कितना मेरा शैम्पू निकलता है। थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं। इसके लिए हमको एक फोम कैन खरीदना पड़ेगा अलग से, ये बहुत ही कम निकल रहा है इसमें से। इसका जो स्टील पाइप अटैचमेंट है, इसको जब हम इंसर्ट किए, अब देखते हैं कि इससे प्रेशर मेरा कितना निकल रहा है। तो इधर दिखाना रुपेश, इधर देखिए पूरा गाड़ी में मड लगा हुआ है, देखते हैं इसको कितने स्पीड से ये साफ कर पाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जितना ये मड था उसको ये साफ कर दिया है, तो प्रेशर काफ़ी हाई है इसका। तो जितना भी अटैचमेंट्स है, अब इसको आप अगर आपको रिमूव करना है, तो सबसे पहले गन का जो ट्रिगर है उसको प्रेस करके आप इसका प्रेशर रिलीज़ कर दीजिए, वरना ये फिर निकलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और जो भी प्लास्टिक का जो घाट है वो सारा लूज़ हो जाएगा। तो ट्रिगर को प्रेस करने के बाद तो सारा अटैचमेंट आप इजीली खोल सकते हैं, ये चीज़ हमेशा नोट करके आप रख लीजिए। और जहाँ तक इसका रिव्यू के बारे में सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने गाड़ी बाइक को धोने के लिए या फिर फ्लोर क्लीन करने के लिए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।